दोस्तों तो कैसे हो मेरे जितने वो डीजे वाले भाई है, आशा करता हूँ सभी लोग खुश होंगे। तो आज की वीडियो में एक आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ, और ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, और सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भैया सभी से विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में से स्किप ना करके जाएँ। और आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा सेटअप लेके आया हूँ जो कि आपके लिए देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी आएगी। और आपके लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी और भी वीडियो बना रखी हैं, जैसे कि पहले मैंने बनाया था एक सेटअप बनाने बजाने के बारे में, जैसे कि देखने के बारे में, एलटेक के बारे में जानकारी देता हूं, या फिर आपकी स्टैंजर है उसके बारे में जानकारी देता हूं, जो फोनिक का मिक्सर है, और आपके लिए एक लीड की भी जानकारी दी थी मैंने। अगर भैया मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद हो तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और आपसे बहुत ज़्यादा ही आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए वो मिलने वाला है जो कि आपके लिए शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, जो कि राधे राजपूत जो लेके आया है, एक सीरीज आपके लिए एक ऐसी लेके आया हूँ जो कि आपके लिए जानकारी दे दूँ कि बंदे बहुत तो चलाते हैं, जैसे कि आपकी MT है, या फिर आपकी प्रोटोन है, या फिर आपका आउजा है, या फिर आपका जैसे कि इंडियन सेटअप है, जैसे कि वॉइस प्लस है, ओम स्टार है, या फिर एलटेक है, ये सब टोटल हो जाता है इंडियन। जो मैंने आपके लिए बताया था वो है प्रोटोन, जो कि अच्छी क्वालिटी आने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में वो मिलने वाला है, जैसे कि आप जैसे कि मान के चलो 4000 वाट मशीन चला रहे हो, तो तकरीबन ऐसी आते हैं 20 के और 22 के, मतलब 25 के लमसम आती है, 25 को और 20 के बीच में आती है 4000 वाट आप इंडियन लेते हो। तो भैया उसमें कोशिश करके आप 10-12 हज़ार रुपये वाट डाल के आप एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और आपके लिए जानकारी ऐसी दूंगा जो कि उसमें सेटअप में ये भी बताऊंगा कि 4 पेयरों में कितना सेटअप लोड चला सकते हो और कितना सेटअप अच्छा बजने वाला है, धमक पंच अच्छी आएगी। एक बार चलाओगे तो आपके लिए सारी जानकारी दे दूँ, एक बार चलाओगे तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। उसका पर चैनल भी बताऊंगा आपके लिए, उसका रेट भी बताऊंगा बाद में। वीडियो के लिए आगे लेके चलते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग पे। और आपके लिए जानकारी दे दूं कि सबसे ज़्यादा भाई आपका व्यूज मिलता है मुझे, और आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया राधे राजपूत DJ यूट्यूब चैनल के लिए। और आपके लिए एक और जानकारी दे दूं कि जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है सॉन्ग का, वो मेरा DJ सत्यवीर भाई के नाम से है, तो उसके लिए नीचे सब्सक्राइब कर लें और न्यू गाने सुने, और ये भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें। तो भैया आशा करता हूँ सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो के लिए पूरा देखें। और आज की जानकारी एक ऐसी होगी, अगर मुझे कमेंट में भी तू पूछते हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। तो चलते हैं अगली वीडियो, इसी वीडियो में। तो ये मेरे पास एक कैटलॉग है जो कि NX ऑडियो की, थोड़ा जूम करके दिखा दें, प्रोटोन वाले की है, NX जिसके लिए बोलते हैं। तो इस भाई मेरे लिए पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आपके लिए इस कैटलॉग में से वो जानकारी दूंगा जो कि सीरीज उसकी है, जो कि आप कौन सी चीज किस चीज से चला सकते हो, कितना वो है, क्योंकि प्रत्येक बंदे के पास कैटलॉग नहीं होती है। इस कैटलॉग की बात मानोगे तो भाई मानना, मेरी बात मत मानना, कैटलॉग में से ही बताऊंगा आपके लिए, ठीक है भैया। तो मेरी वीडियो के लिए बीच में से स्किप ना करें, मेरी वीडियो के लिए पूरा देखें, ठीक है भैया। तो चलते हैं भैया वीडियो की तरफ, गुड लक भैया। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके लिए दिखाऊंगा जो RX प्रोटोन की है, जो ओरिजिनल मशीन है। तो आपके लिए बता दूं, जैसे कि हम RX प्रोटोन लेते हैं तो तकरीबन 31-32 हज़ार के लमसम की एक पड़ती है मशीन। रेट इसका रेट लगा के चलूंगा मैं, और इसके नीचे भी मशीन है और भी, उसके भी रेट बताऊंगा आपके लिए। जब आप 4000 वाट प्रॉपर मशीन लेते हो तो उसका पर चैनल आपके लिए बता दूं, उसका पर चैनल पूरा 2000 वाट मिलता है आपके लिए। और आपके लिए इंडियन का सेटअप दिखा दूं, इंडियन की आपके लिए थोड़ी सी बात कर लें, इंडियन मशीन की मानते हैं, इंडियन आपकी 20-25 हज़ार रुपए की, 26 हज़ार रुपए की मिल जाती है। आप एक बार प्रोटोन चला के देख लो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, जो कि मैं भी चलाता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल भी रखी है, MT के बारे में भी जानकारी दे रखी है। और आपके लिए बता दूं, 31-32 हज़ार रुपए की जब आप RX चलाओगे तो इसका पर चैनल आपके लिए बता दूं कि इसका पर चैनल भैया RX का 1550 वाट है सर,
अब ये तो कंपनी का सिस्टम है, जैसे कि उसमें तो पर चैनल होना चाहिए कम से कम 2000 वाट, लेकिन इसमें 1550 वाट दिखा रहा है, वही प्रॉपर है। इसमें 28 किलो बेड दिखा रहा है, और आपके लिए बता दूं W 8 ओम्स पे आपके लिए 2000 वाट मिलता है, ठीक है सर। और आप इससे, मैं आपके लिए बता दूं, जो आपके लिए कॉलम बजाना है उसका भी वेट बताऊंगा, प्लस कितना लोड डाल सकते हो आप उस पर। एक स्पीकर 500 वाट का, 500 1000 वाट बैठता है आपका, ठीक है भैया। तो उसका हो गया 1000 वाट और दूसरे का हो गया 2000 वाट, तो 2000 वाट एक चैनल पे आप डाल के चला सकते हो। तो इसका बैठता है आपका लमसम तकरीबन 31-32 हजार रुपए। सेट के लिए चला के देख लो, और कैटलॉग में आपका फोटो भी दिखा देता हूँ। भैया थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये मेरा सेटअप है, ये वाला पूरा सेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं बड़ा करके, जो कि ये RX लिखा हुआ है, और ये इनकी सीरीज है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपके लिए दिखा दूँ, थोड़ा इधर से दिखा दें आप। सीरीज में क्या होता है कि जैसे कि हमने 4000 वाट ले ली, एक 3000 वाट है इसकी, एक 2000 वाट है। 2000 वाट 12 इंची पे काम करेगी, 3000 वाट टॉपों पे काम करेगी, सिंगल सिंगल टॉप बजाएगी। ये 4000 वाट आपकी चार पेयर 15 इंची 3 इंची कॉल चलाएगी। शिवा की कॉल लगा के चलाओ, कोई भी चलाओ, वो आपकी टेंशन है। एक इसमें सेट भी मिल जाता है, एक और 6000 वाट, इसका पर चैनल है 2300 वाट। अच्छा, आपके लिए एक जानकारी दे दूं, जैसे कि ऑलरेडी मैं और भी जानकारी देता हूं भैया, जो मेरी वीडियो के लिए देख रहा है उसके लिए लाइक करता हूं भैया, और आप भी मुझे लाइक करें। जो मेरी वीडियो के लिए पूरा देखता है भाई, उसके लिए सुपर से सुपर सुपर से सुपर जानकारी मिलेगी। और आपके लिए बता दूं कि कभी भी भविष्य में ध्यान रखना, अब क्रेज चल गया धमक और पंच का, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन धमक पंच किस चीज में मिलेगी, प्रोटॉन में मिलेगी। प्रोटॉन NX ऑडियो ये सब एक ही सीरीज है, ठीक है भैया। तो सेट के लिए 4000 वाट ले लें, 6000 वाट ले लें, एक 3000 वाट है वो ले लें, एक 2000 वाट है, जो आपका सेटअप जितना अच्छा आपका बॉक्स है, क्या है, कैसे है, वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं किस चीज की, वीडियो के लिए स्किप ना करें और बीच में ऐसे छोड़ के ना जाएं। अब बात करते हैं एक MT की, जो कि बहुत बंदों ने नाम सुन रखा है और कर रखा है, तो MT की आज जानकारी लेंगे। जैसे कि MT के बारे में आपके लिए एक जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि आप एक सबसे पहले MT आती थी 701 आती थी, ठीक है। तो ये आपके चार टॉप बजा देगी 3 इंची कॉल, और एक आती है भैया 1201, मतलब 1201। तो उसके लिए तो प्रत्येक बंदा जानता ही है क्या है, चीज है, कैसे है। लमसम 48-50 के लमसम में आती है एक मशीन, और ज्यादा ही बेटर है मशीन के लिए चलाओगे। लेकिन भैया इसके लिए स्पीकर बहुत हैवी चाहिए, लेकिन इसकी धमक पंच तो मैं ही जानता हूं भाई, दुनिया जानती है कि मतलब कौन सी क्वालिटी की है। एक 1601 आती है, वो भी MT की है। थोड़ा फोटोज दिखाते हैं इनके लिए, ये मेरा पूरा सेटअप है, पूरी कैटलॉग ले रखी है मैंने, ठीक है भैया, पूरी कैटलॉग ले रखी है। तो ये मैंने दिखा दिया है, इसका पर चैनल की बात कर लें तो ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, खाली इसका पर चैनल की बात करेंगे अब हम। इसका पर चैनल है 1600 वाट का, आप बात करोगे 1601 की, तो इसका पर चैनल 3000 वाट है, 6000 वाट बैठती है प्रॉपर। और इसका जो दूसरा चैनल है MT का, जैसे कि दूसरी मशीन है 1201, तो इसका बैठता है 2500 वाट पर चैनल। तो भैया इसकी तो कुछ ज्यादा ही खास बात मानते हैं, क्योंकि दुनिया में चलती है, सबसे बड़ा नाम है। और इसका जो 701 जो पीस है, उसका 1600 वाट पर चैनल है। आप इसे 701 के लिए चला के देख लेना, आप 25000 रुपए की मशीन इंडियन चला के देख लेना, इसकी धमक पंच देख लेना, फिर उसके बारे में मुझे बताना कमेंट में आपके लिए वीडियो कैसी लगी। और थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, बस ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा, इसके रेट आपके लिए मिल जाएंगे आप मुझसे पूछोगे तो। ये इसकी सीरीज दिखा दें भैया आप लास्ट में, ये मेरा MT है जो मैन है इसका बड़ा, और ये मेरी सारी MT लगी हुई है चारों, और इसका ये जो है इसे दिखा दें बस।
एक मिनट के लिए बस ये दिखा दें, ये आपके लिए देख रहा होगा जैसे कि 1601 3000 बार, 1201 2500, 1101 भूल गया था सर माफी चाहता हूं, 1101 इसका 2300 वाट है और इसका 701 1600 वाट है। तो ये मैंने पाप के लिए दिखाई दिया है, और तो बहुत काफी मशीन है, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो के लिए भैया ज्यादा नहीं खींचूंगा। आशा करता हूँ सभी से अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो भैया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा अभी न्यू चैनल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि आपका एक लाइक तो इतने मेहनत करने पे बनता है, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ भाई, जितने भी डीजे वाले मेरे भाई हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, न्यू वीडियो लेके आता हूँ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो नीचे सब्सक्राइब कर ले रेड कलर पे, और भैया जो वीडियो मेरी पूरी देख, जो वीडियो मेरी चलती है शुरू से लेकर अंत तक ही देखनी है आपके लिए, ठीक है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ। तो डीजे वाले और भी भाई देख रहे हो वो सब खुश रहें, बहुत अच्छे रहें, तो भैया जय हिंद, जय भारत, गुड लक भैया।